ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात उदयपुर की करते हैं, जहां पर इंजीनियरिंग विद्यार्थी ने कचरे से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे काफी सराहा जा रहा है। वो कारनामा जिसके लिए विद्यार्थी को कई इनाम भी मिले हैं और उनकी पॉल्यूशन फ्री सोच को खूब फंडिंग भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट में। अब नहीं होगा प्रदूषण, प्रदूषण मुक्त होगा प्रदेश, अब कचरे से बनेगी ईंट। इंजीनियरिंग छात्रों ने किया कमाल, कचरे के अंबार पर सफलता की इबारत, गंदगी ने बदली जिंदगी। ये डाला कचरा, ये निकला कचरे का कचूमर और ये निकली कचरे की ईंट, वो भी ऐसी वैसी नहीं, पॉल्यूशन फ्री। जी हाँ, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है कचरे से बनी ये ईंट। अब ये कमाल नहीं तो और क्या है कि गंदगी से इको फ्रेंडली बनी है, और ये कमाल कर दिखाया है टेक्नो इंडिया NJR कॉलेज के प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्रों ने। प्रदेश के इन होनहारों ने कैसा कमाल कर दिखाया है जिससे निर्माण होने वाले ईंटों से निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। भट्टों में मिट्टी से बनने वाले ईंटों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तक इस ईंट को बनाने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब शुरू से आखिर तक जानिए कैसे बनती है इको फ्रेंडली ईंट। वेस्ट प्लास्टिक बोतलों को क्रश करते हैं, उसमें फ्लाई ऐश मिलाते हैं, इसके बाद मार्बल स्लरी मिलाते हैं, अन्य वेस्ट मटेरियल मिलाते हैं। मार्बल स्लरी और वेस्ट मटेरियल मिक्स किया जाता है, जिसके बाद मिक्स मटेरियल को सांचे में डाला जाता है, तब जाकर बनती है इको फ्रेंडली ईंट। जो भी स्वरूप सागर और जो आसपास के लेक से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसे आइडिया निकाला जैसे कि हम लोग प्लास्टिक और डिमोलिशन वेस्ट और मार्बल स्लरी वेस्ट को एक कंपोजिशन में लाके ब्रिक्स की फॉर्म में बना सके। बच्चों के ईंट बनाने के सपने को कॉलेज प्रबंधन ने अपनी भागीदारी के साथ सच कर दिखाया है। ईंट तैयार करने वाली इस मशीन को भी कॉलेज में ही तैयार किया है। विद्यार्थियों के अथक प्रयास से तैयार प्रोजेक्ट टेस्टिंग में पूरी तरह से पास हुआ है। इस मशीन से महज एक घंटे में 60 से ज्यादा ईंट तैयार की जा सकती है, जिसको देखते हुए इन छात्रों के प्रोजेक्ट के लिए देश भर से फंडिंग भी शुरू हुई है। बीकानेर में हुए डिजिफेस्ट में 15 लाख रुपए का इनाम मिला। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 10 लाख का फंड दिया। IIT मद्रास ने कार्बन जीरो चैलेंज जीतने पर 5 लाख फंड दिया। IIT बॉम्बे में इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग सिंपोजियम में इनाम मिला। सबसे पहले एक्चुअली हम एक कंपटीशन के लिए पार्ट लेने वाले थे। उस कंपटीशन का थीम था कि राजस्थान में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और राजस्थान में जो सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो मार्बल स्लरी की है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मार्बल स्लरी को किस तरह से यूज करें किसी यूजफुल प्रोडक्ट में। नई सोच है, नई उड़ान है, हर लिहाज से मिट्टी की ईंट का बेहतर विकल्प है कचरे से बनी ये इको फ्रेंडली ईंट, जो कि प्रकृति को भी खूब रास आएगी। उदयपुर के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों द्वारा किया गया यह स्टार्टअप पर्यावरण संरक्षण के लिए तो बेहतरीन कदम है ही, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी नए आयाम स्थापित कर सकता है। और शायद यही वजह है कि बेंगलोर और चेन्नई की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने तो इन विद्यार्थियों के सामने फंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट तक के प्रस्ताव रख दिए हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के